सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी इज बैक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जा सके सबसे पहले। तो क्या फ्रेंड, आप सब भी एक बूटेबल पेन ड्राइव को नॉर्मल पेन ड्राइव बनाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। जैसे कि तो फ्रेंड, हम बूटेबल पेन ड्राइव कब बनाते हैं, जब हमें विंडोज इंस्टॉल करना होता है, विंडोज 10, 7, 12 कुछ भी, फिर हम बना लेते हैं बूटेबल पेन ड्राइव। पर उसको नॉर्मल कैसे करना है हमें तो पता ही नहीं है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही ईजी मेथड है। तो आप बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे नॉर्मल बना सकते हो, उसमें कैसे मूवी या कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले देख पा रहे हैं आप सब, ये मेरे पास एक बूटेबल पेन ड्राइव है जो 32 GB का है और इसको मैं नॉर्मल बनाने वाला हूं। तो नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आप सबको, इसको लगा देना है यूएसबी पोर्ट में, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट में। तो देखिए मैं लगा रहा हूं। तो फिर जैसे आप पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर सिस्टम में लगा देते हो तो आपको जाना है दिस पीसी वाला ऑप्शन दिख रहा है इधर, ठीक है, और आप सबको विंडोज 7 या फिर 8 में दिख जाएगा कंप्यूटर का ऑप्शन या फिर कुछ भी, तो कुछ इस तरह से दिस पीसी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पर क्लिक करना है और देखिए इधर आप सबका पेन ड्राइव भी शो करेगा। तो अभी लगाया हो ना वो पेन ड्राइव, ये है मेरा 32 GB का है, तो इधर दिख रहा है। जैसे कि मैं इसको हटा रहा हूँ पेन ड्राइव को, तो देखिए हट जा रहा है, और फिर मैं लगा रहा हूँ तो ये आएगा, ठीक है, आ गया। तो देखिए फ्रेंड, इसमें तो विंडोज़ मतलब 10 में बूटेबल बनाया, बूट किया, ठीक है, तो विंडोज 10 बूटेबल वाला है ये पेन ड्राइव। तो फ्रेंड, इसको नॉर्मल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पे जाना है और इधर जाके आप सबको लेफ्ट क्लिक करना है माउस से और फिर राइट क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्या करना है पहले देखिए मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो फ्रेंड देखिए, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जो एरो दिख रहा है इसको इधर लेके जाना है, और एक बार आप सबको क्या करना होगा, एक बार आप सबको लेफ्ट वाला की प्रेस करना है और उसके साथ ही राइट वाला की प्रेस करना है, और फिर दिख रहा है आप सबको इधर फॉर्मेट का ऑप्शन, तो फॉर्मेट पर क्लिक करना है और फिर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और फिर ओके पर क्लिक करना है और फिर येस पर क्लिक करना है और ये फॉर्मेट हो रहा है। तो जब फॉर्मेट हो जाएगा तो देखिए इधर फॉर्मेटिंग लिखा आ रहा है, जब फॉर्मेट हो जाएगा तो इधर क्लोज या फिर कुछ भी ऑप्शन आ जाएगा। तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए आप, थोड़ी देर, जैसे कि 2-3 मिनट। देखिए इधर फॉर्मेट कंप्लीटेड, तो मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर इधर क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यार, नॉर्मल पेन ड्राइव बन चुका है, अब इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए क्या करना है, इधर जाके राइट क्लिक करना है और फिर रीनेम पे जाना है और फिर इधर कुछ भी नेम दे देना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ माय पेन ड्राइव, ठीक है, और फिर इंटर प्रेस करना है और फिर हो गया। और इसमें आप कुछ भी आप डाल सकते हो, मूवी वगैरह, फोटोज वोटोज कुछ भी। तो हेलो फ्रेंड, कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।